दोनों ने अपनी बेल डाली थी। मशीन चोरी का मामला था ये 2019 का, नगर पालिका की मशीन चोरी हुई थी एक, वो इनकी यूनिवर्सिटी के कैंपस में रिकवर हुई थी, उसी में इन्होंने बेल डाली थी। अब्दुल्ला और आजम खान ने दोनों की बेल रिजेक्ट कर दी गई और ये बड़ा झटका है आजम खान। सर इसमें बेसिकली ये जौहर इंडस्ट्री में ये क्योंकि मशीन ये बरामद हुई थी, चोरी का मामला था, तो इसमें क्या इन्होंने बेल में मतलब प्रे क्या किया था? इन्होंने बेल यही कहा था कि हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बट ये यूनिवर्सिटी के चेयरमैन थे, ट्रस्टी थे, और इन्हीं के कैंपस में बरामद हुई है तो ये जिम्मेदार थे, इसीलिए कोर्ट ने ये माना इनको जिम्मेदार और बेल रिजेक्ट कर। तो सर इसमें क्योंकि जो आर्गूमेंट्स हुए थे उसमें कपिल सिब्बल साहब भी अपीयर हुए थे आजम खान की तरफ से, क्या उन्होंने क्या आर्गूमेंट्स? उनका आर्गूमेंट यही था कि कपिल सिब्बल जी ने कहा था कि भाई इनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मशीन चोरी हुई है, ये मशीन वो नहीं है, वो मशीन रिकवर नहीं हुई है और ये इनकी खुद की मशीन थी या जो भी इन्होंने एक रीज़न दिया था, बट ये मशीन नगर पालिका को आई थी, नगर पालिका ने मशीनें खरीदी थी, उसमें से एक मशीन जब 2017 में सरकार चेंज हुई तो इन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी के कैंपस में उसको गड्ढा खोद कर दबा दी थी, जो 2019 में मुकदमा दर्ज हुआ और उसके बाद रिकवर हुई थी। मशीन के कुछ पार्ट्स रिकवर हुए थे जिसमें मशीन का चेसिस नंबर जब मैच किया गया तो ये वही मशीन निकली। और सर इसमें इन्फॉर्मेंट कौन था? इन्फॉर्मेंट थे बाकर अली खान। क्या इन्होंने कंप्लेंट की? ये इन्होंने यही कंप्लेंट करी थी कि नगर पालिका के लिए मशीन खरीदी गई थी और शहर की सफाई के लिए खरीदी गई थी जो यूनिवर्सिटी में चलाई जा रही थी। इसमें एक सुदर्शन न्यूज़ के चैनल में ये मशीन जब ये इंटरव्यू ले रहे थे तो उस इंटरव्यू में वो मशीन पीछे दिखाई गई थी, तो उसी मशीन को उसी फोटो को हमने इसमें आधार बनाया था, उसके आधार पर FIR दर्ज की। नमस्कार, मैं हूं रवि सक्सेना। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आपसे कोई नया अपडेट छूट ना पाए। जी हाँ, आप ध्यान रखें, हमारे साथ जुड़े रहिएगा रॉयल खंड समाचार पर और ये बेल आइकन को जरूर दबाते रखिए।